नमस्कार, विंध्य भारत के साथ मैं प्रदीप त्रिपाठी। आइए डालते हैं अब तक की प्रमुख खबरों पे एक नजर। चूँकि इंसाफ शहर काजी साहब हज के लिए गए हुए हैं हज यात्रा में, इसलिए ईद की नमाज ईदगाह घोघर में पढ़ाने के लिए हमें मुकर्रर किया है कमेटी ने और शहर काजी साहब ने। और बकरईद के ताल्लुक से ये है कि हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम की सुन्नत है कि हम ईदगाह में जाकर मस्जिदों में जाकर ईदुल अज़हा की नमाज़ पढ़ें और नमाज़ पढ़ के आएँ। तो अपने घरों में अगर साहब निसाब हैं, अल्लाह ने दिया है, तो बकरे की कुर्बानी करें और एक दूसरे को खिलाएं पिलाएं, मोहब्बत से मिलें। कोई परेशान हाल आदमी हो तो उसकी मदद करें। ये मज़हब इस्लाम इंसानियत का दर्स देता है। इंसानों में इंसानों पर खूब खूब मेहरबान रहना चाहिए, यही ईद के त्यौहार का मतलब है। ये नमाज़ को लेकर क्या तैयारियाँ की गई हैं, इस बार का टाइमिंग क्या की गई है और शाहिदगाह में कब नमाज़? घोघर ईदगाह में 8 बजे है और इसी तरह से और मस्जिदों में किसी में 8:15 बजे, किसी में 8:30 बजे। जैसे बड़ी दरगाह में है 9 बजे, छोटी दरगाह में है 9:15 बजे। इस तरह से 10-10 मिनट के फ़र्क से बहुत सारी जगहों में नमाज ईदुल अज़हा अदा की जाएगी।